हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसका एग्ज़ाम बीपीएससी ने कंडक्ट करवाया था। देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आपको आ गया है, लेकिन अभी 9th-10th का रिजल्ट नहीं आया। 11th-12th का रिजल्ट सबसे पहले आया था, उसमें भी कुछ विषय का रिजल्ट आना बाकी है। दूसरी बात, उसके बाद रिजल्ट जारी किया गया पीआरटी का, यानी कि 1-5 का। 1-5 का रिजल्ट जारी किया, उसके बाद जो उसमें प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिसका भी सिलेक्शन हो गया है, उसका डीवी भी चल रहा है, कल डीवी था पहला दिन। उसके बाद देखिए, कुछ एस्पिरेंट ऐसे हैं जिसको डाउट है, मतलब डाउट इन द सेंस कि खुश नहीं है रिजल्ट से। रिजल्ट से क्यों नहीं खुश है? देखिए, सबसे पहला ये सवाल होता है कि कट ऑफ जारी क्यों नहीं किया गया है। सबसे पहले कट ऑफ जारी किया करना चाहिए था, उसके बाद आपको मार्कशीट जारी करना चाहिए था, उसके बाद फिर आपको मेरिट लिस्ट जारी करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सीधा डायरेक्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया, जिसमें कि सिर्फ आपको रोल नंबर और डिस्ट्रिक्ट जो एलोकेशन हुआ है, यानी कि जहाँ पे आपको जॉब करना है परमानेंट, वहाँ पे बस एलोकेशन हुआ है। तो इसमें पारदर्शी बोलकर कुछ हो नहीं रहा है, पूरी तरह से घपला हो रहा है जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए, बीपीएससी सर का जो चेयरमैन सर का जो ट्वीट आया कल, इसके बाद क्लेरिफिकेशन पे कुछ क्वेश्चंस जो एस्पिरेंट पूछ रहे थे उसके, तो वो भी कुछ संतुष्टजनक है नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है बस बोल दिया ना, क्लियर कट होना चाहिए। और कटअप तो सबसे पहले जारी करना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि कितने नंबर पे मतलब सिलेक्शन हुआ है, कितने नंबर पे नहीं हुआ है। मान लीजिए जैसे कटअप गया यूआर का 68, तो बता देना चाहिए था डायरेक्ट क्या 68 कटअप गया है। अब जिसका 67 है, 66 है, वो समझ जाएंगे कि ठीक है कटअप ज़्यादा गया हुआ है, उसका रीज़न भी बताना चाहिए। क्योंकि देखिए, बीएड वाले तो पहले बाहर हो गया है, 1-5 में बीएड वाले बाहर हो गया है, फिर भी सिर्फ डीएलएड वाले को लेने के बाद भी इतना कटअप गया हुआ है, जिसका सिलेक्शन मतलब 60 नंबर पे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 55 नंबर फीमेल पे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, पहले तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे, कटअप को नीचे करके लिया जाएगा। पर पता नहीं ऐसा मतलब क्यों हुआ है और क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिसका मार्क्स ज़्यादा है, उसका लिस्ट में नाम नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिसका नंबर कम है, फिर भी लिस्ट में नाम है। तो ये सब कुछ सोचने वाली बात है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिसका डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन जो हुआ है वो बहुत ही गलत तरीके से हुआ है, ठीक है। मतलब उस जो अपना प्रियोरिटी दिए थे, 3 डिस्ट्रिक्ट चूज करने के लिए दिया गया था, तो 3 डिस्ट्रिक्ट में से देखिए सब किसी भी डिस्ट्रिक्ट को नहीं दिया गया, एकदम अलग से बहुत दूर दराज में दे दिया गया है। तो ये सब गलत है। और सबसे जो मेन ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि नियोजित शिक्षक को इस फ्रेश बहाली में क्यों लिया जा रहा है, सबसे गलत है ये। मतलब ये बहुत ज़्यादा ही मतलब क्या बोला जाए, कुछ सिस्टम का लाचारी जो है ना बहुत ख़राब होता है, जिसकी वजह से जो है एस्पिरेंट को सहना पड़ता है, ठीक है। मतलब नियोजित शिक्षक को जो है आप राज्य के, एक तो बोल रहे कि उनका अलग से एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम दिया जाएगा जिसमें 3 मौका होगा, प्रारूप भी बन चुका है, इस पर फैसला लिया जा रहा है नीतीश सरकार के द्वारा, ठीक है। तो उसको फिर आप एग्ज़ाम लेके वहाँ पे राज्य कर्मी का दर्जा देंगे, बिल्कुल दीजिए, लेकिन फिर इस फ्रेश शिक्षक में उसको मतलब नियोजित शिक्षक को क्यों शामिल किया जा रहा है, ये तो गलत है बिल्कुल भी। जो अभी जो सेकेंड फेज का जो रिजल्ट मतलब नोटिफिकेशन आने वाला है, उसका भी नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया, बल्कि जारी कर देना चाहिए था। एक देखिए, टेंटेटिव एक वर्ड होता है, आप टेंटेटिव वैकेंसी, जैसे अभी 70,000 वैकेंसी फिक्स है फेज़ 2 के लिए, ठीक है, जो फेज़ 2.0 होने वाला है उसमें 70,000 तो फिक्स है ना, तो उसको लेके आप नोटिफिकेशन निकाल दीजिए, जिसमें जहाँ पे 6-8 के लिए, 9-10 के लिए, 11-12 के लिए नोटिफिकेशन आप दे दीजिए, साथ में वहाँ पे टेंटेटिव वैकेंसी लिख दीजिए। ये सारे जो फेज़ 1 है, ये सारे फेज 1 होने के बाद जो भी आपको सीट इसमें से बचेगा उसमें बाद में ऐड कर दीजिएगा। इसमें क्या है, एसएससी भी ऐसा करती है, ठीक है। तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, नोटिफिकेशन आपको पहले दे देना चाहिए, जिससे क्या होगा एस्पिरेंट अपने अच्छे से पूरे जोरों शोरों से पढ़ाई में लग सकती है। क्योंकि आपका जो है अभी तुरंत नोटिफिकेशन आएगा, फिर हर वर मतलब जल्दी जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के चक्कर में फिर क्या होगा, 30-35 दिन दिया जाएगा, उसमें बहुत सारे बच्चों का नुकसान हो जाता है। फिर क्लियरेंस कुछ होता नहीं है ना, कि नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, किस तरह से सिलेबस है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम डेट क्या है, ये सारे कुछ जो है अब तक क्लियर कर देना चाहिए टेंटेटिव वैकेंसी को बोलकर। ये मुद्दा वाला। और दूसरी बात कि एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्या है, 1 seat 1 कैंडिडेट। देखिए, सभी को पता चल चुका है कि कैंडिडेट यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, और फेज़ 2 में भी ये होने वाला है। अगर इसमें ठीक नहीं किया जाए तो फेज़ 2 में भी ये होगा, ठीक है। 2.0 में जैसे उसमें भी वैकेंसी निकल रहा है 6-8 के लिए, 9-10 के लिए, उसके बाद 11-12 के लिए। तो जिसका सिलेक्शन 9-11-12 में होगा, उसी का फिर रोल नंबर आपको 9-10 में भी देखने को मिलेगा, और उसी का रोल नंबर फिर आपको 6-8 में भी मिल जाएगा, अगर वो तीनों में एलिजिबल है तो। तो ये नहीं होना चाहिए, जिसका सिलेक्शन 11-12 में हो गया वो 6-8 या 1-5 में क्यों ज्वाइन करेगा, जाहिर सी बात है अब सब ऊंचा क्लास ही ज्वाइन करना चाहेगा। तो किसी तरह कुछ भी करके जो है बीपीएससी सर को या फिर सरकार को कुछ ना कुछ मतलब नियम बनाकर, कुछ ना कुछ रूल्स बनाकर जो है सिर्फ एक सीट पर एक ही कैंडिडेट लेना चाहिए, ऐसे नहीं तो बहुत सारे सीट बर्बाद हो जाएगा।
हाँ, उसके बाद आप सभी को पता है क्या होने वाला है। और जो नोटिफिकेशन बहुत जल्द से जल्द देना चाहिए, जिसका मान लीजिए सिलेक्शन नहीं हुआ किसी कारणवश से, और नहीं हुआ तो वो फिर अपना फेस टू की तैयारी लगेंगे, और साथ में इसमें भी उम्मीद बनाए रखेंगे, क्योंकि देखिए उम्मीद नहीं खोना है। यहाँ भी आपको रिजल्ट में बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम है, उतार चढ़ाव है, तो इसको भी रेक्टिफाई किया जाएगा। वेटिंग लिस्ट मतलब ये नहीं कि वह वेटिंग लिस्ट ला के छोड़ देना, नहीं, पूरा फुलफिल करना है, ठीक है। आप जो है क्लेरिफिकेशन दीजिए, जो भी सीट बचता है उसको इसी में लीजिए, ऐसा नहीं कि आपको सेकेंड फेज़ में जोड़ दीजिएगा। अगर आपको सेकेंड फेज़ में भी जोड़ना है तो आप पहले क्लियर कट बोल दीजिए, हाँ ठीक है, जो भी सीट बचेगा उसको सेकेंड फेज़ में जोड़ दिया जाएगा। और सेकेंड फेज़ में ऐसा बोल रहा जा रहा है कि पीआरटी का जो वैकेंसी नहीं आने वाला है, यानी कि 1 to 5 का, तो 1 to 5 का भी आपको वैकेंसी लाना होगा, क्योंकि बहुत सारा इसमें से जो बच जाएगा, जो डीवी में बाहर होंगे, जो इसका डीएलएड फेल है, सीटेड फेल है, ठीक है, किसी कारण से डीवी में बाहर होंगे, तो वो सारा सीट जो बचेगा आपको 2.0 यानी कि फेज़ टू में ऐड करके लाना होगा 1 to 5 के लिए भी वैकेंसी। जिसका किसी कारण से चूक गया, जो जेन्युइन कैंडिडेट है, उसको भी चांस मिलना चाहिए। और बहुत जल्द से जल्द आपको सेकेंड फेज का नोटिफिकेशन आज या कल या विदिन 1 वीक तो जारी कर देना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि समय ज़्यादा है नहीं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 या 5 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा, इसका तो भरोसा नहीं है। जैसे एस्टेट का हुआ, 4 से 5 दिन ही मिला, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा टाइम मिलना चाहिए। सिलेबस क्या है वो क्लियर कीजिए, कब वैकेंसी होगा कब नहीं होगा सारा कुछ क्लियर कीजिए। और ये जो बहाली हो रहा है, जो भी बिहार शिक्षक भर्ती जो रहा है, इसको बहुत ही अच्छे से पारदर्शिता भी कीजिए, थोड़ा आप टाइम ले लीजिए, टाइम लेके बहुत ही आराम आराम से सब कुछ कीजिए और जेन्युइन तरीका से कीजिए। ऐसा नहीं कि जो 1 to 5 में डीएलएड वाले का हुआ है लेकिन उसमें बीएड वाले भी शामिल हैं, और फिर वो तीनों में शामिल हैं, यानी कि 11th 12th में भी उसका रोल नंबर है, 9th 10th में भी रोल नंबर है, 1 to 5 में भी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारे कुछ को ध्यान में रखते हुए आप फेस टू का वैकेंसी फ्रेश निकालिए और उसमें नियोजित शिक्षक मत लीजिए। आप जो वैकेंसी निकालिएगा, मैं यही चाहूँगा कि जब भी वैकेंसी निकले, जो मतलब सॉरी नोटिफिकेशन जब आए, तो उसमें क्लियर लिखा होना चाहिए, नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा होना चाहिए क्या कि नियोजित शिक्षक इसमें अप्लाई ना करे, आपके लिए अलग से एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा अगर एग्जाम होता है तो। और डायरेक्ट अगर नियोजित आप राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहते हैं तो वो भी क्लियर कट कर दीजिए, अच्छा रहेगा। नहीं तो क्या होगा कि फिर उसी में बहुत सारे ये फ्रेश कैंडिडेट में ही जो है नियोजित शिक्षक का सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होगा कि जो उनका जो सीट है, जो अभी वहाँ जहाँ पे अभी वो जॉब कर रहे हैं जिस सीट पे, तो वो फिर वैकेंट हो जाएगा, फिर उसको कैसे फिल किया जाएगा, फिर उसके लिए भी 5 साल 6 साल वेट करना होगा इलेक्शन के लिए। तो ये सारे कुछ नहीं होना चाहिए, बहुत ही जेन्युइन तरीके से होना चाहिए, क्योंकि देखिए फिर 5 साल 6 साल वेट किया जाता है। बहुत सारे बहुत उम्मीद लगा के जो है एस्पिरेंट अपना तैयारी करते हैं, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, बहुत कुछ झेलते हैं, बहुत सारा कुछ फेस करके तैयारी करा जाता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये सब कुछ होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए, और सीटेट दिसंबर में जो होने वाला है उसको भी आप मौका दीजिएगा। मैं यही चाहूँगा कि वो सब कैंडिडेट को भी मौका मिले, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को मौका मिलेगा तो अच्छा होगा। आई होप मैं यही बस बोलना चाह रहा था इस वीडियो में। किसी भी तरह का डाउट हो या कमेंट हो तो आप बता सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कुछ छूट रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो को लाइक कीजिएगा और बताइएगा किसी भी तरह का डाउट हो तो। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।